everyone, this side Rohit Rathore and you are watching why I didn't join IPM program. लेकिन इस चीज पे आने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले हमने 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया और इतने सपोर्ट के लिए आप सब लोगों को थैंक्स, बहुत सारा थैंक्स। और एक अनाउंसमेंट है जो मैं इस वीडियो के एंड में करने वाला हूँ और वो अनाउंसमेंट बहुत स्पेशल होने वाली है, तो उसे मिस मत करना। सो लास्ट ईयर इन जनवरी 2021 मैंने कैट के लिए एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैं कैट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया। जैसे ही मैंने प्रिपरेशन चालू की, स्टार्टिंग में भाई साहब हाई मोटिवेशन, हाई जोश और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था भाई। इन स्टार्टिंग मंथ्स में अपनी कैट के प्रिपरेशन के दौरान मैंने काफी तगड़ी मेहनत की है। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो भाई काफी तगड़ी मेहनत की थी मैंने। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2021 की प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही थी और फिर पता नहीं कहाँ से यार सडनली आई कम अक्रॉस द थिंग IPM प्रोग्राम ऑफर्ड बाय एन IIMs। ये चीज मैंने अपने 12th में सुनी थी और मेरा पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर निकल गया, पर इन 2 सालों में कभी मैंने IPM के बारे में सोचा ही नहीं। मैं जब अपने 12th में था तब मेरे कुछ फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे IPM प्रोग्राम के लिए। उस टाइम पे शायद IIM इंदौर ही IPM प्रोग्राम ऑफर करता था, पर उस टाइम मैं हॉस्टल में होने की वजह से उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ना रिसोर्सेज थे ना उसके बारे में कोई नॉलेज। मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने IPM के बारे में कुछ सोचा भी नहीं और मैंने ज्यादा लोड भी नहीं लिया क्योंकि 2 साल ऐसे निकल गए, एक तो नए कॉलेज के एक्साइटमेंट में, दूसरा लॉकडाउन के वजह से। ये IPM प्रोग्राम मेरे दिमाग से निकल ही गया। जब अप्रैल 2021 आते आते जब IPM प्रोग्राम के आसपास में आ ही गया था, कैसे ना कर मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने IPM रिकॉल कैसे किया था, बट जैसे तैसे जब अप्रैल 2021 में जब मुझे IPM प्रोग्राम रिकॉल हुआ कि यार ऐसी भी कुछ चीज होती है, तब मैंने डिसाइड किया क्यों ना IPM के लिए भी अपियर किया जाए। तो तब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करना चालू की तो पता चला भाई अब 5 IIMs IPM प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जिसमें से 3 IIMs नए जो पहली बार अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने वाले थे। सो मैंने डिसाइड किया 5 IPM प्रोग्राम के लिए अपियर किया जाए। सो मैंने IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक, JIPMAT और IPM रांची के लिए फॉर्म फिल कर दिए क्योंकि भाई साहब मुझे पता करना था कि IPM के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो किस लेवल के होते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कैट से काफी नीचे के लेवल के होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए अपियर किया जाए, इनमें क्या मेरा रिजल्ट रहता है, क्योंकि मैं कर रहा था कैट के लिए प्रिपेयर। अल्टीमेट मेरा गोल तो कैट ही था, पर मैंने सोचा क्यों ना इसमें भी अपियर होके एक बार कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ साथ ये भी पता चला कि एग्जाम्स थोड़ी डिले हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से, तो मुझे 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए उस पैटर्न को समझने के लिए और उसके लिए थोड़ी और अच्छे से एफर्ट से पढ़ाई करने के लिए। तो लगभग मेरे पास अप्रैल के बाद मई और जून था, जुलाई में शायद एग्जाम्स थे, तो मेरे पास 2 और मंथ्स थे काफी अच्छे से IPM बेस्ड सिलेबस को पढ़ने के लिए। तो फिर हम भी लग गए काफी अच्छी तगड़ी मेहनत में IPM के लिए। उस टाइम ये कैट एस्पिरेंट एक IPM एस्पिरेंट में बदल चुका था। 2 महीने तगड़ी मेहनत करने के बाद मैंने IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक और JIPMAT IIM जम्मू और IIM बोधगया दोनों कॉमनली कंडक्ट करवाते हैं अपने IPM प्रोग्राम के लिए और IIM रांची IPMAT इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है। तो जब मैं इन तीनों की एग्जाम देने गया तो आई वॉज जस्ट लाइक शिवरिंग। मैं सोचा था अब क्या ही होगा भगवान, क्योंकि यार मैंने प्रिपेयर तो किया था बट मैं पहली बार IPM प्रोग्राम के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें अपेयर हो रहा था। तो नर्वस तो होते हो आप कहीं ना कहीं, चाहे आप कैट दे रहे हो, IPMAT दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ये तीनों एग्जाम खत्म हुई, बढ़िया तीनों एग्जाम दे कर रहा है और अब ये IPM एस्पिरेंट वापस कैट एस्पिरेंट बन चुका था। फिर मैंने वापस अपना कैट के ऊपर फोकस किया और वापस उसे कंटिन्यू किया। उसके बाद लगभग 1 या 2 वीक के बाद इनका रिजल्ट आया। सबसे पहले शायद IPMAT इंदौर का आया। उस टाइम रोल नंबर डालते टाइम भाई हार्ट बीट ऐसी तेज हो रखी थी। तब रिजल्ट सामने आया तो उधर लिखा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। IPM इंदौर का जो एंट्रेंस टेस्ट था इसमें मैंने VRC और DILR का कट ऑफ तो क्लियर कर लिया था, बट QA का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो कट ऑफ है वो क्यों क्लियर नहीं हुआ, उसका रीजन भी मैं यहाँ बताऊंगा। क्योंकि जब मैं पेपर दे रहा था आई वॉज वेरी नर्वस। जिस दिन मैं पेपर दे रहा था यार मैं काफी नर्वस था, वैसे ही बहुत ऐसे हाथ पांव सिवर कर रहे थे यार। मैंने IPM के एंट्रेंस एग्जाम भी बिना मॉक दिए थे, तो मुझे यार टाइम मैनेजमेंट का कोई उसमें नॉलेज नहीं था कि यार क्वांट में कितना टाइम लगेगा, VRC में कितना टाइम देना चाहिए, इन सब चीज़ों में कितना टाइम देना चाहिए। बाकी सभी में सेक्शनल टाइमिंग थी, बट क्वांटिटी एप्टीट्यूड सॉल्व करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। उसमें मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाया और मैं काफ़ी नर्वस सा हो रहा था। तो कई सारी चीज़ें मैंने सही करते करते भी गलत की थी। तो ये सारी चीज़ें शायद एक नेगेटिव इफेक्ट कर गई मेरे रिजल्ट पे IPMAT इंदौर के, बट कोई नहीं, आई वाज स्टिल कि यार ठीक है कुछ एक्सपीरियंस मिला। इसी के जस्ट 4 या 5 दिन के बाद IPM रोहतक का रिजल्ट आता है और ये शायद रात के टाइम पे आया था। जब रोहतक का रिजल्ट आ रहा था तब भी मुझे ये लग रहा था कि यार इसमें भी कोई कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, इसमें भी कुछ नहीं होगा। फिर भी यार आई वॉज जस्ट लाइक भगवान जी आप ही देख लीजिए। जब मैंने उसमें अपना रोल नंबर डाला, पासवर्ड डाला और जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, आई वॉज जस्ट सो, वहां बोल्ड लेटर्स में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस। नीचे जब मैंने कट ऑफ देखे तो सारे कट ऑफ क्लियर थे, काफी अच्छा स्कोर कर लिया था मैंने आईपीमेट रोहतक में। आई वॉज जस्ट लाइक यस आई डिड इट, एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई वॉज जस्ट लाइक काश यार ये सारी चीजें मेरे साथ 2 साल पहले हो जाती। तो ये सारी चीजें थी। बट उसी के बाद जिपमेट का भी रिजल्ट आता है कुछ दिनों के बाद। जिपमेट अपनी एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराई थी। जिपमेट इतना इजी एग्जाम था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। आई स्कोर 93% इन इट। इतने अच्छे परसेंटाइल आने के पीछे के कुछ रीजंस भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिपमेट जो एग्जाम थी वो पहली बार कंडक्ट की गई थी। काफी बेसिक लेवल की कॉन्ट के क्वेश्चंस, डीआईएलआर के क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी, सब कुछ बेसिक्स था। काफी इजी एग्जाम था, मॉडरेट भी नहीं था, काफी इजी एग्जाम था। वैसे मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो हो सकता है ये मुझे किसी वजह से इजी लगा हो। बाकी कई सारे बच्चों ने भी ये बोला था कि ये काफी इजी एग्जाम था, और मैंने भी सुना था कि जिपमेट काफी इजी होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कंडक्ट होने वाला है। सारे रिजल्ट्स आने के बाद अब मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, यानी आईएम इंदौर का कट ऑफ क्लियर ना होने की वजह से आईएम रांची और आईएम इंदौर 2 ऑप्शंस मेरे पास से चले गए थे। बट स्टिल आई हैव 3 एश्योरेंस कि भाई आईएम रोहतक में एडमिशन होना पक्का है, आईएम जम्मू में एडमिशन होना पक्का है, आईएम बोधगया में एडमिशन होना पक्का है। और इन रिजल्ट्स के पीछे सिर्फ 5 मंथ्स की मेहनत, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी थी। जब मुझे आईपीएम का आइडिया रिकॉल हुआ, उसके बाद जब मैंने 2.5 महीने डेडिकेटेड आईपीमेट के लिए पढ़ाई की, तब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो क्यों ना कैट के लिए और तगड़ा प्रिपेयर किया जाए। तो कैट से काफी अच्छा कॉलेज लेके डायरेक्ट MBA ही करेंगे। और ऊपर से कॉलेज के 2 साल ऑलरेडी निकाल चुका था, तो इन्हें वेस्ट करने से भी मैं कहीं ना कहीं कतरा रहा था कि यार ये 2 साल भी वेस्ट होंगे, इन्हें रिपीट करना पड़ेगा। और एक कंसर्न फी का आ रहा था जहां से मैं करंटली BBA कर रहा था, जहां मैंने पे कर रखी थी। तो ये इन सारे सिनेरियो के कारण मैंने IPM प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था। और मैंने सोचा और ज्यादा इफेक्ट्स लगा के कैट 2021 में काफी अच्छा किया जाए, ताकि मुझे ना ईयर रिपीट करने पड़े, ना जो फी का कंसर्न है मेरा वो रह जाए, और नेक्स्ट ईयर में अच्छे B स्कूल से अपना MBA स्टार्ट कर दूं। तो मेरे IPM प्रोग्राम ना ज्वाइन करने के पीछे यही कंसर्न थे कि यार मुझे अपने जो दो ईयर्स मैंने लगा चुका था अपने BBA में ऑलरेडी, मैं उन्हें बेस्ट नहीं करना चाहता था, उन्हें वापस रिपीट नहीं करना चाहता था। और जब इतना कॉन्फिडेंस दे ही दिया था इन एग्जाम्स ने कि यार शायद अच्छा कर सकता हूँ मैं कैट 2021 में, इसलिए मैंने उस चीज का ज्यादा लोड भी नहीं लिया और उनमें एडमिशंस भी नहीं लिए। उसके बाद मैंने कैट के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। कैट 2021 में अपीयर हुआ, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं कैट 2021 के। बट अभी ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यार यहाँ 2 एस्पेक्ट्स होती है। एक आपने जो माइंड में ऑलरेडी प्लानिंग कर चुकी है आपके करियर के बारे में, आपके MBA के बारे में, और एक होती है जो एक्चुअल में हो रही होती है। तो ये जब चीजें मुझे खुद को क्लियर हो जाएगी कि अभी आगे क्या होना है, मैं कौन से कॉलेज जा रहा हूँ या फिर और कौन से एंट्रेंस देने बाकी है, या मैं MBA कर भी रहा हूँ या नहीं, तो ये सारी चीजें जब मुझे क्लियर हो जाएगी तब मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। तो इसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी जो IPM के बारे में मैं अब बात करने वाला, IPM एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग IPM के बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स निकालो, उसके बारे में रिसर्च करो। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर वो चाहते हैं कि मैं बाद में प्रिपेयर करूंगा, पर अभी से स्टार्ट कर दो। आपके पास पूरे 5 मंथ है, क्योंकि जुलाई के आसपास इसकी एग्जाम होगी। आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करना चालू कर दिया, गुड एंड वेल, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। IPMAT एग्जाम होने में लगभग अभी 4 से 5 महीने बचे हैं। आप लोग इस टाइम पीरियड में काफी अच्छी पढ़ाई करके, कॉन्सेंट्रेट करके, उस चीज पे ज्यादा फोकस करके अच्छी पढ़ाई कीजिए। आप लोग अपने IPMAT में काफी तगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 5 महीने बहुत होते हैं। जब एक मेरे जैसा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा, जिसकी मैथ से लिटरली बता रहा हूँ फटती है, वो इन चीजों को क्लियर कर सकता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मैथ्स में डालो तो यार ये सोच के नहीं कि मैं मैथ्स में डाले, एक बार एक ट्राई दो। आप लोग इन 5 महीने में काफी अच्छी मेहनत करके उस लेवल पे चले जाओ कि आप जिपमेट में तो एडमिशन ले ही लो। तो यार ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को ये मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होती है। इसमें कम कॉम्पिटिशन है, काफी इजी पेपर्स आते हैं। IPMAT इंदौर का थोड़ा डिफिकल्ट आता है, बट कैट के लेवल का नहीं होता है। बट जिपमेट, IPMAT रोहतक, इनके काफी इजी पेपर होते हैं। एक बार इनके लिए ट्राई करना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना इन प्रोग्राम्स के बारे में। इस साल भी शायद जुलाई के आसपास ही होगी। आपके पास अभी भी 5 मंथ्स है आप प्रिपेयर करने के लिए IPMAT के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं IPM पे और ज्यादा डिटेल वीडियो बनाऊं, इसके सिलेबस पे डिटेल वीडियो बनाऊं, इसकी कब एग्जाम्स होने वाली है, कौन कौन से IPM प्रोग्राम ऑफर करते हैं, तो इन सभी चीजों पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बता देना। जो अनाउंसमेंट का मैंने कहा था वो है कि मैं यार बिजनेस स्टडीज की कुछ लाइव क्लासेस ऑनलाइन चालू करने वाला हूँ। सो मैं स्टार्टिंग में यार सिर्फ 25 स्टूडेंट से इस चीज को ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि यार क्या ये चीजें वर्क कर रही है मेरे लिए, क्या आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का बैच ही मैं रखूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, आप लोग अगर लाइव बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहां पे टैप करके आई एम इंटरेस्टेड इन लाइव क्लासेस आप डीएम कर देना। टोटल 1 आवर की ये क्लासेस होगी, डेली बेसिस पे होगी, मिनिमम 20 से 25 के बीच का बैच होता है। तो हम ये चीजें स्टार्ट करेंगे और ट्राई करके देखेंगे, अगर ये चीज सक्सेस होती है तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स और बढ़ाएंगे। तो जिन 25 स्टूडेंट्स का सबसे पहले डीएम आएगा उन्हीं 25 स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे डीएम में व्हाट्सअप लिंक है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।